स्मार्टफोन्स में लिमिटेड स्टोरेज स्पेस हमेशा एक इश्यू रहा है और इसी कारण कई लोग एक्सपेंडेबल स्टोरेज को ध्यान में रख के भी एक डिवाइस लेते हैं। बट अब विद सैमसंग ऑल्सो ड्रॉपिंग दिस फीचर फ्रॉम देयर फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स, आई एम वरीड कि मिड रेंज में भी ये जल्द हो सकता है और इसी के साथ क्लाउड सर्विसेज की इंपॉर्टेंस बढ़ते जा रही है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे मैं इन सर्विसेज के साथ अपने विंडोज और एप्पल डिवाइसेस को सिंक में रखता हूँ और इनमें से कौन सा सर्विस आपको लेना चाहिए। अब जिन स्टेप्स के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, आप उन्हें आपके एंड्रॉइड फ़ोन के साथ भी रेप्लिकेट कर सकते हो। बट अगर आपके पास एक एंड्रॉइड फ़ोन है, आप विंडोज़ के योर फोन एप्लीकेशन के साथ थोड़े और एडिशनल फीचर्स भी इस्तेमाल कर पाओगे। ये इंक्लूड करते हैं आपके लैपटॉप या कंप्यूटर पर से कॉल्स बनाना और आंसर करना, मैसेजेस को उनके नोटिफिकेशन से रिप्लाई कर पाना, अपने फ़ोन पर लिए लास्ट 2000 फोटोज़ के साथ इंटरैक्ट करना और फाइनली आपके नोटिफिकेशंस मैनेज करना। अब अगर आपके पास एक आईफोन और मैक या फिर एक आईफोन और आईपैड वाला सेटअप है, आप एक हद तक ये स्टेप्स को वहाँ पे भी कर सकते हो। बट दिस वीडियो इज अबाउट विंडोज, सो मेक श्योर टू लीव अ लाइक एंड लेट्स कंटिन्यू। अब अगर आपके पास सैमसंग का S20 या S21, Z Fold 2 और Note 20 सीरीज के डिवाइसेस है, आप और एडवांस चीज़ें जैसे फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप और आपके फ़ोन के एप्लीकेशंस को भी आपके कंप्यूटर पे यूज़ कर पाओगे। बट व्हेन टॉकिंग अबाउट विंडोज़ एंड iOS इंटीग्रेशन थ्रू द योर फोन ऐप, आप सिर्फ वेब पेजेस को ही क्रॉस प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो। मतलब आप माइक्रोसॉफ्ट एज के मोबाइल ऐप के साथ आपके टैब्स यहाँ ट्रांसफ़र कर पाओगे एंड वाइस वर्सा। बट यही चीज़ आप ऑलरेडी गूगल क्रोम के एप्लीकेशन के साथ भी कर पाते हो और एप्पल इकोसिस्टम के वजह से कंटिन्यूटी के मदद से भी। सो इस लिमिटेड फीचर सेट के साथ हेल्प करने के लिए आपके विंडोज़ और एप्पल डिवाइसेस को सिंक में रखने आ जाते हैं क्लाउड सर्विसेज, और जैसे मैंने पहले बताया था, आप इन्हें आपके एंड्रॉइड फ़ोन पे भी रेप्लिकेट कर पाओगे। सो हाउ डू आई यूज़ क्लाउड सर्विसेज? अभी मैं प्राइमरली माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव यूज़ करता हूँ बिकॉज आई फेल्ट इट हैज़ द बेस्ट कंपैटिबिलिटी फॉर मी। ऑल्दो मेरे पास एप्पल डिवाइसेज है, आई जस्ट डोंट प्रेफर यूजिंग आई क्लाउड। ये ऐसे क्यों? क्योंकि अभी अगर आप देखते हो मेरे काम में माय लैपटॉप डज मोस्ट ऑफ द हैवी लिफ्टिंग। मेरे वीडियोस एडिट करना और इन्हें अपलोड करना यहीं से होता है, और मेरा आईपैड बन चुका है मेरा प्राइमरी नोट टेकिंग डिवाइस और वो चीज़ जिस पर से मैं अपने कॉलेज के काम कंप्लीट करता हूँ। अगर आपको इसके बारे में और जानना है, यू कैन चेक आउट माई हाउ आई यूज़ माई आईपैड वीडियो, उसको मैं इधर आई बटन के पास छोड़ दूंगा। अब जब आईफोन और आईपैड मेरे प्राइमरी डिवाइसेस थे, तब मैं हमेशा कन्वीनियंस के नाम पे एयर ड्रॉप इस्तेमाल करता था अपने फाइल्स को इनके बीच में ट्रांसफ़र करने। ऑब्वियसली विंडोज़ लैपटॉप के साथ ये नहीं पॉसिबल है। हाँ, वहाँ पे एप्लीकेशंस है जो इसे अलाउ करते हैं, बट आई फिगर्ड मैं क्लाउड सर्विसेज को एक चांस दूंगा। सो इसे इम्प्लीमेंट करने सबसे पहले डाउनलोड कीजिए कोई भी क्लाउड सर्विस का एप्लीकेशन ऑन योर स्मार्टफोन। ये होगा वन ड्राइव या फिर गूगल ड्राइव। iCloud is available on iOS devices by default, so आप settings में जाके इसे activate कर सकते हो। अभी once you have downloaded these applications, इनमें लॉग इन कर लीजिए आपके accounts के साथ and then get onto your laptop। अब Windows 10 बेस्ड लैपटॉप्स पे OneDrive प्री इंस्टॉल आता है। अगर आपको iCloud या फिर Google Drive इस्तेमाल करना है, मैं इनके डाउनलोड लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। Once downloaded, उन्हीं सेम अकाउंट्स को लेके आप आपके PC पे इन एप्लीकेशंस में लॉग इन कीजिए। यहाँ पे चूज कीजिए आपको कौन से लैपटॉप फाइल्स क्लाउड पे सिंक करने हैं एंड क्लिक ओके। मेक श्योर टू सेट द क्लाउड लोकेशन टू बी विद इन सी ड्राइव। इसकी वजह से आपको ये यहाँ साइड पेन में एक डेडिकेटेड डायरेक्टरी मिलेगा। जब मैंने इन्हें एक डिफरेंट ड्राइव पार्टीशन में डाला था, तब ये यहाँ पे अपीयर नहीं कर रहे थे। अभी आप देख सकते हो कि गूगल ड्राइव इधर ऊपर आया है। मैंने एक्चुअली इसका डायरेक्टरी भी सी ड्राइव में बनाया है, बट इसका ऐसा सेपरेट ऑप्शन नहीं आया। अभी सी ड्राइव आपके डिस्क का वो पार्टीशन है जिसमें आपके विंडोज 10 के सिस्टम फाइल्स रहते हैं, तो इसे ज़्यादा क्लटर होने देना आपके बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है। तो इसलिए जब भी आपके फाइल्स यहाँ पे कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, आप कोई भी फाइल पे राइट क्लिक करके फ्री अप स्पेस वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो। दिस विल मेक द फाइल डिसअपियर फ्रॉम योर लोकल स्टोरेज और इसे क्लाउड पे स्टोर कर देगा। अब कमिंग टू योर स्मार्टफोन, यहाँ पे फिर से वन ड्राइव के एप्लीकेशन को ओपन करके यू कैन चूज टू अपलोड फाइल्स। अगर आपको व्हाट्सएप या फिर कोई भी इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन पे किसी ने कोई डॉक्यूमेंट भेजा है, आप फिर से उसे सिलेक्ट करके शेयर शीट को ओपन कीजिएगा और फिर सिलेक्ट द वन ड्राइव ऐप। इसके बाद सिलेक्ट योर अकाउंट एंड हिट अपलोड। अब जब आप आपके लैपटॉप को जाओगे और वन ड्राइव को रन करोगे, आपके फ़ोन पर के अपलोडेड फाइल्स यहाँ पे सिंक होके अपीयर करेंगे। एंड दिस इज बेसिकली हाउ आई यूज वन ड्राइव टू कीप माई फाइल्स इन सिंक। अभी इस प्रोसेस को आप कौन से सिनेरियोज में अप्लाई कर पाओगे? वेल, अगर आपको कभी व्हाट्सएप पे कोई कॉलेज टेक्स्ट बुक आ गया या फिर आपके फ़ोन पे किसी ने एक असाइनमेंट भेजा है और आपको उसे आपके लैपटॉप पे डाल के कॉपी करना है, दिस इज वेयर दिस कम्स हैंडी। ये बस कॉलेज रिलेटेड एग्जाम्पल्स है। अगर आप एक प्रोफेशनल वर्क एनवायरनमेंट में हो, अभी फाइल्स को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे ट्रांसफ़र करना बहुत कन्वीनियंट होना चाहिए और ये उधर भी हेल्प करेगा आपको। अब हम फाइनली आ जाते हैं इन सर्विसेज के लिमिटेशंस पे। वो है इनके फ्री टियर्स और आपका इंटरनेट कनेक्शन। अब मैं पर्सनली अपने डिवाइसेस पे उतने सारे फाइल स्टोर नहीं करता हूँ। जैसे ही मेरा काम खत्म हो जाता है मैं इन्हें डिलीट करता हूँ एंड आई हैव अ डिसेंटली फास्ट इंटरनेट कनेक्शन, तो ये प्रॉब्लम्स मैं ज़्यादा फेस नहीं करता हूँ एंड दैट इज़ वाई देयर फ्री टीयर्स आर इनफ फॉर मी। लेकिन अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिनके लिए उनके फोटोज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हें अपलोड करना हाई क्वालिटी में एक बहुत बड़ा प्रायोरिटी बनता है, इन दैट केस आपको कई बार आपके अपलोड्स ओवरनाइट भी रखने पड़ेंगे डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ योर कनेक्शन एंड द क्वांटिटी ऑफ फोटोज बीइंग अपलोडेड। सो इसी के साथ हम बात करते हैं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल के क्लाउड सर्विस प्लान्स के बारे में। सो सबसे पहले बात करते हैं गूगल वन के बारे में। ये सर्विस आपको गूगल के सारे एप्लीकेशंस मतलब जीमेल, गूगल ड्राइव और गूगल फोटोज के अक्रॉस 15 GB इस्तेमाल करने देता है। इसके ऊपर यू कैन पे 130 पर मंथ फॉर 100 GB, 210 पर मंथ फॉर 200 GB और 650 रुपीज पर मंथ फॉर 2 TB। ये सारे एडिशनल टियर्स आप आपके फैमिली या फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो अगर आपको कॉस्ट स्प्लिटिंग करना है। नेक्स्ट आता है माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव। इसके फ्री टियर के साथ आपको मिलते हैं 5 GB वर्थ ऑफ क्लाउड स्टोरेज। बस यही नहीं, अगर आपके पास एक 10 इंच से छोटा वाला डिवाइस है आप माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस सूट वाले एप्लीकेशंस को भी आपके वो डिवाइस पे यूज कर पाओगे जो जनरली आपके फोन्स या फिर स्मॉल टैबलेट्स होते हैं। अब इनके पेड प्लान्स के बारे में बात करते हुए यहाँ फॉर 140 रुपीज पर मंथ आप एडिशनल 100 GB बाय कर सकते हो, बट अगर आप 420 रुपीज पर मंथ पे करते हो आपको 1 TB ऑफ स्टोरेज मिलेगा अलॉन्ग विथ ऑफिस 365। ये स्पेशली यूजफुल है अगर आपके पास ऑफिस सूट पहले से नहीं है, बट हाँ अगर आप WPS ऑफिस या फिर गूगल के प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशंस यूज करते हो वो एक अलग स्टोरी होगा, बट इफ यू नीड MS ऑफिस दिस इज प्रिटी कूल। फिर फॉर 530 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा उनका फैमिली प्लान जो हर इंडिविजुअल को उनका डेडिकेटेड 1 TB स्टोरेज देता है अलॉन्ग विद द ऑफिस सूट। सो अगर MS ऑफिस आपके लिस्ट पे है एज अ रिक्वायरमेंट दीज प्लान्स आर वर्थ चेकिंग आउट। फिर फाइनली आ जाता है iCloud और Apple One प्लान्स। इन चीज़ों को आपको कंसिडर करना चाहिए स्पेशली अगर आपके पास ऑलरेडी Apple के कई डिवाइसेस है और आपके फैमिली में भी ये यूज होता है क्योंकि ये सिस्टम में वेल इंटीग्रेटेड है। आई करंटली डोंट यूज इट बट मैं अभी इन्हें इस्तेमाल करने की सोच रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने लैपटॉप पे भी iCloud डाउनलोड किया है। सो लेट्स सी हाउ दैट वर्क्स आउट, बट नेवरदलेस इनके प्लान्स इंक्लूड करते हैं iCloud के साइड पे 75 रुपीज पर मंथ फॉर 50 GB फॉर एन इंडिविजुअल, 219 पर मंथ फॉर 200 GB एंड 749 पर मंथ फॉर 2 TB। ये दोनों प्लान्स आप आपके फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हो। Apple One की बात करते हुए उसका इंडिविजुअल प्लान जो कॉस्ट करता है 195 पर मंथ आपको देगा 50 GB ऑफ क्लाउड स्टोरेज अलॉन्ग विद Apple Music, Apple TV एंड Apple Arcade। इनका फैमिली प्लान जो कॉस्ट करता है 365 रुपीज पर मंथ आपको वही 3 सर्विसेज के साथ 200 GB का क्लाउड स्टोरेज देगा। सो फाइनली विच वन शुड यू बाय? अभी एज अ होल मैं एक्चुअली आपको OneDrive रेकमेंड करना चाहता हूँ। आपको इनका फैमिली प्लान लेना चाहिए स्पेशली अगर आप आपके कॉलेज फ्रेंड्स के साथ मिलके इसे शेयर कर सकते हो। अगर आप एक प्रोफेशनल हो और हाँ आपके पास दोस्त है जो ये शेयर करने के लिए अग्री करेंगे आई रेकमेंड यू लुक इनटू दैट एज वेल। और इन जनरल अगर आप एक फैमिली हो क्योंकि 1 TB ऑफ डेडिकेटेड स्टोरेज पर पर्सन और ऑफिस सूट के सारे एप्लीकेशंस आपकी प्रोडक्टिविटी लेवल्स को भी बढ़ा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल के लेटेस्ट अपडेट्स को एक्सेस रहना भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इस सिचुएशन में। एंड देन ऑब्वियसली क्रॉस कंपैटिबिलिटी आपके सारे डिवाइसेस के साथ क्योंकि दिस इज एन ऑफिस 365 सब्सक्रिप्शन। सो बेसिकली गेट अ सर्कल ऑफ फ्रेंड्स एंड गेट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको ये पसंद आया मेक श्योर टू शेयर इट विद अ फ्रेंड, लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ऑल्सो अगर आपको इन जनरल टिप्स चाहिए ऑन विच डिवाइस टू बाय या फिर कौन सी सर्विस को आपको लेना चाहिए मेक श्योर टू विजिट द कॉमेंट सेक्शन ऑफ माई इंस्टाग्राम पोस्ट। यहाँ पे एक पोस्ट के पहले आधे घंटे में मैं यूजुअली बहुत क्विकली रिप्लाई करते रहता हूँ। सो मेक श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टाइम।